हे गाइस, काफ़ी समय के बाद वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आई एम रियली सॉरी कि मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि नया घर बन रहा है, उसमें शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। पहले तो पूजा होनी है, उसके बाद आप देखो मेरे बैग में टीवी था, वो छोटा टीवी था। एक्चुअली हम जो गेस्ट रूम बना रहे हैं उसमें करने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। एंड मतलब पूरा दिन मेरे को हो जाता है। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, 8:30 बजे तक मैं फ्रेश अप होके नहा धो के भाग जाता हूँ नए वाले घर पे, और रात में ही आता हूँ अराउंड 7:30-8। टाइम का पता नहीं है कितना बजे, सफाई वफाई करते हुए, शिफ्टिंग करते हुए और मत्था मारते हुए, तो ऐसा चल रहा है अभी स्केड्यूल। फिलहाल हम अभी शिफ्ट करने वाले हैं कुछ दिनों में, पहले पूजा होगी उसके बाद शिफ्ट करेंगे, तो वो मैं सब दिखाने वाला। और मैंने सोचा कि इतने बिजी टाइम में अगर मैं ये सब रिकॉर्ड नहीं करूँगा और आपको नहीं दिखाऊंगा, तो मतलब मेरी फैमिली का और उसका क्या होगा, मतलब व्लॉग्स तो बनाने हैं ना, तो इसलिए अब से हम स्कूबी ने गेट खोल दिया। ओए, तो अब से हम व्लॉग्स बनाएंगे और मैं सब आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मुझे अपने जूते धोने हैं, तो गर्म पानी निकालते हैं और जूते धोते हैं, यार बहुत गंदे हो रहे हैं। चल 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 चल, अरे रुक गई क्या है? डिंगा गाइज, मुझे बस अपने एक पेयर जूते के धोने थे। मम्मी ने मुझे मेरे सारे जूते निकाल के दे दिए कि इन सबको धोना है अब तुम्हें। ये स्टाइल देख लो, डालने का बताना मैंने किसका कॉपी करा है। तो मैंने कम से कम 5-6-7 जोड़ी जूते धोए हैं, घासे हैं जोर जोर से अपने हाथों से। सो गाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कोई 7 जोड़ी जूते धोए तुम्हारे भाई ने अभी। हाथ देख रहे हो, देखो देखो पानी से भर गया पूरे, फिंगर्स की टिप देखो, इतना मेहनती लड़का मिला है तुम्हें। सो फाइनली अब हम छत पे भी आ गए इन्हें सुखाने रखने के लिए। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे भाई ने 7 जोड़ी जूते एक बार में धोए, उसके ऊपर से 2-3 चप्पलें भी, पापा की जो कुर्तों के नीचे पहनते हैं वो वाली भी, वो दिखाई नहीं मैंने, पर 7 जोड़ी जूते, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है वैसे, ये तो अपना रोज का हो गया। अब तो गाइस, पहले मेरे घर वालों ने मुझसे जूते धुलवाए, अब ये मुझे कपड़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं जाके गाड़ी साफ कर। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी साफ कर दूंगा, इनने मुझे पाला पोसा है ना, मैं कर दूंगा, इतना बड़ा मेरे हो गया बहन। सुन, लड़कियों से तो कोई काम कराना ही बात, सब काम लौंडो से कराना, वो आपका खड़ी आराम से। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। फाइनली गाड़ी साफ करने आई गया मैं। मैंने तब बा रहे हैं। तो जोर से दबा दे। जोर से दबा रहा हूँ, जोर से दबा रहा हूँ। रुको, करो 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 करो। चाइल्ड लेबर चल रही है। वो ठेकेदार कोने में खड़ा है, कोने में ठेकेदार खड़ा है। फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ अपने रूम की सफाई। सफाई में बहुत ज़्यादा थक गया सफाई करते करते। नहीं, मैं तो पैर की बना। आए राम, कितने गंदे पैर हैं। साफ कर दे। इसके गंदे पैर हैं। तोड़ो तोड़। आए राम। सो गाइस, फाइनली मैं अपने नए वाले घर से आ चुका हूँ सफाई करवा के, क्योंकि हम सब आ गए थे। मैं कार से आऊँ, मम्मी और बहन और हमारी स्कूटी को लेके, और अभी तो फिलहाल मैं लेटा हूँ और वीडियो एडिट करके पोस्ट करिए तक बहुत ज़्यादा गया है और उंगलियाँ छिल गई मेरी लिटरली सफाई करते करते। अभी भी बहुत काम बाकी है और जल्दी करें प्रवेश करना है। कैसे होगा यार, मैं वीडियो शूट करने गया था अपने स्टूडियो में, और ये वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई इस वीडियो की, पता नहीं क्यों, तो मैं वॉइस डब कर रहा हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने गया था अपने स्टूडियो में, और एक इंसिडेंट हुआ ये कि मेरे स्टूडियो में एक मेहमान आ गया, और वो है एक चमगादड़ जो पूरा हिला पड़ा था, हिला पड़ा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे सर के ऊपर ही हिला पड़ा था, घूमा जा रहा, और लिटरली इसका मुंह ना फटा हुआ था, इसका मुंह बिल्कुल फटा हुआ था, और ये मेरी तरफ ही देख के घुर्रा रहा, बार बार कान वान चला रहा, हिला पड़ा और चीख रहा, मतलब ऐसी आवाज़ निकाल रहा जो डरावनी थी। और मुझे डर लग रहा कि ये मेरे गले आके चिपक ना जाए और काट के मुझे वैम्पायर ना बना दे, मेरा खून ना चूस ले, मतलब जो लड़कियां मरती है ना करने को, मतलब तुम समझ रही हो ना, तो ये आके वो करना ले यार, मेरे चिपक उपक जाए, खून ना चूस ले। और मेरे को बस एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना था उसका पार्ट, और उसी समय ये मेरे सर के ऊपर आ खड़ा होगा। आप मानोगे नहीं, मैंने डरते डरते वहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाई है कि मेरे ऊपर से नीचे चिपक ना जाए आके।
मैं और मेरे साथ एक पेंटर भाई आए हैं, तो अभी एक रूम रह गया थोड़ा सा पेंट वेंट उनको टचअप होने को, तो बस वो करने वो करवाते हैं। फिर शीशे वाले भैया आ रहे हैं, शीशे भी लगने, एक दो शीशे लग चुके हैं, थोड़े से और लगने हैं। और लाइट वाला भी आ रहा है, मंदिर आ चुका है, मंदिर का कनेक्शन पीछे मंदिर रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, मंदिर का भी कनेक्शन होना है। और वाईफाई और कैमरे का तार अंदर से जाना है, तो वो भी करवाना है। कॉकरोच का रिमोट छोटा सा रिमोट भी बहुत छोटा है, तुम तो और मैंने देखा था। सो गाइस लड्डू महाराज आ चुके हैं अभी, ये रिमोट मंगवाने प्रैंक करने के लिए कॉकरोच मंगवाने की बात कर रहा है रिमोट से। मम्मी भी प्रैंक करेगा फिर पेंटर पे, तो मुझ पर कॉकरोच का प्रैंक कर देगा और मैं खुद डर के वापस चले जाऊंगा अपने पुराने घर। और क्या, कॉकरोच कॉकरोच से मुझे बहुत डर लगता है भाई, चाहे वो नकली क्यों ना भाई, लड़के ऐसे चीखते वैसे ही मैं चीखता हूँ भाई, सही में मजाक से। बैठ जाओ मक्खी। अरे ऐसे तो ऐसे करता है, पता नहीं बहुत करीना कपूर हो रही है। देखो अपना छोटा भाई भी धूप सेक रहा है। सो गाइस रॉकी आ गए हैं मुझसे मिलने, और मैंने उसके लिए बिस्किट मंगाया, अभी लड्डू बिस्किट लाता ही हुआ। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसके यहाँ से लेता बिस्किट यार, इतनी दूर क्यों गया? अरे लड्डू हुआ बिल्कुल ऐसे चल रहा रोड गिर के, थोड़े साइड दे दो मैं भी चल लूँ रोड पे। और साइड भाई मुझे जगह नहीं मिली अभी चलने के लिए। ला बिस्कुट दो आओ। रागी की अम्मा, रागी की अम्मा। गोलू की मम्मी, इसको काला, इसको गाना कौन सा पसंद है? कालू आयो कालू आयो कालू मेरो प्रेमी आयो। रॉकी की अम्मा और उसके बाद मैंने बेचा घर का कबाड़ा, जिसे बेचने के बाद मुझे पूरे 20 रुपये मिले, 20 रुपये। और उसके बाद मैंने बीटी करी कि इस 20 रुपये का मैं खरीदूँ क्या, एक प्राइवेट जेट ले लूँ, अपना खुद का पर्सनल थिएटर बनवा लूँ, जकूजी, या फिर मैं शिप ले लूँ, या कुछ भी ऐसा जो मैं 20 रुपये में खरीद सकता हूँ। बहुत बड़ी अमाउंट है ना, क्योंकि भाई पेंट लेके आए हैं और उसकी कलाकारी हो रही है। रुक जा एक मिनट मैं दिखा दूँ। पुट्टी में ग्रे कलर मिक्स करा के टेक्सचर बनाया जा रहा है यहाँ पे। ग्रे नहीं है, सिल्वर है। सिल्वर ये लेना, वो निकाल उसमें से, निकाल तो मुझे हाथ में, निकाल के हाथ में दे। बाबा ये सूखा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे होता है मिलाना पड़ता है। अब तो तुझे बहुत नॉलेज आ जाती है बाद में, पहले तो तुझे कुछ कद्दू नहीं पता होता कि वार्निश भी क्या होती है और पेंट भी क्या होता है, टेक्सचर किस चीज़ से दिया जाएगा। और ये भाई के कमर में टेक्सचर पड़ते हुए, पूरा व्लॉग मैं आपको होम टूर का दिखाऊंगा बाद में, फिलहाल अभी मैं टेक्सचर पड़ते। देखो मेरे आते ही कैसा बिहेव कर रही है। क्या है, टॉयलेट जाना है क्या? अरे सामान पैक करें, क्योंकि सब सामान नए वाले घर पे जाना ही है। नए वाले पुराने वाले हैं। मैं टॉयलेट करा के आता हूँ तब तक यार। तो गाइस गाड़ी में सारा सामान लाद दिया है, मुझ मजदूर से लदवाया गया है, लाइट जल रही है यार अभी। अब गाड़ी चला के लेके जाना है भाई, उसमें स्कूबी भी बैठेगी, वो हड़दंग मचाएगी। देखो कहाँ घुस रही है। हाँ चलो बाय। अरे आप भी आ गई, अरे मेरे पैर बंद मत करना बेटा। गाइस फिलहाल अभी हम लेने आए हैं घर का सामान, और वो भैया बैठे हैं आगे, भैया जाओ जाली निकाल रहे हैं। चलो 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 चलो। अरे अरे फेंक क्यों दी, इसे पकड़े रहो ऐसे ही। हाँ अपनी 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 चलिए। एक पता था ऑल दलाल लेन देते ना भैया।